अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबियोलॉजी ऑफ वाटर एंड सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबियोलॉजी ऑफ वाटर को। इफ वी डिस्कस अबाउट माइक्रोबियोलॉजी ऑफ वाटर देन वी कैन सी डैट वाटर इज एसेंशियल फॉर वेल बींग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो वी कैन से डैट ऑल माइक्रोब्स लिव एन एक्वस इन्वायरमेंट ड्यू टू वाटर। बेसिकली अगर हम बात करें पानी की, तो ये हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर देखा जाए माइक्रोब्स वगैरह को, तो एक्वस इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यू टू वाटर। अगर फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ मेजर टाइप्स को, बेसिकली अगर डिस्कस किया जाए माइक्रोबियोलॉजी ऑफ वाटर को, तो इसको फर्दर थ्री टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर, सेकेंड इज सरफेस वाटर, एंड थर्ड इज एटमोस्फेरिक वाटर। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर बेसिकली हमारे पास एक सब स्टेरियन होता है, मतलब हम यूं कह लें कि अंडर द अर्थ सरफेस वाटर होता है कि जो कि फिल्टर होता है। ये क्या होता है? फिल्टर वाटर होता है। और ये यहाँ जो बैक्टीरिया या अदर पार्टिकल्स हो जाते हैं पानी के अंदर होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये अंडर अर्थ होता है, मतलब अंडर द अर्थ सरफेस होता है, ये सतह के नीचे बह रहा होता है, तो इसलिए यहाँ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। इसमें जो भी कोई बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, और जो नेचर है वो प्रोवाइड करती है नेचुरल मैकेनिज्म वाटर का प्योरीफाई करने में इस फॉर्म में। अगर हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो इसमें बेसिकली ग्राउंड वाटर में जो राइट वर्चुअली फ्री ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो फिल्टरिंग एक्शन प्ले कर लेते हैं सॉइल का, डीप सैंड या फिर रॉक्स वगैरह। अगर हम बात करें सरफेस एनाटॉमी की, तो सेकंड हमारे पास है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का क्या रोल है, इसकी सेकंड टाइप है सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी हमारे पास जैसे कि स्ट्रीम्स, लेक्स, शैलो वेल्स, ये सारी हमारे पास सरफेस एनाटॉमी में आ जाती है। बेसिकली अगर यहाँ एयर की बात करें, तो जो रेन है या बहुत सारे कंटेमिनेंट वाटर हैं वो सरफेस वाटर में आ जाते हैं। अदर सोर्सेज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के, एग्रीकल्चर फॉर्म्स या फिर वाटर फ्लोस कह लें, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ आ जाता है, फॉर्म एनिमल्स आ जाते हैं, रेन वाटर आ जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्जेस फ्रॉम सेवरेज ट्रीटमेंट आ जाता है, प्लांट एंड स्टॉर्म वाटर हो सकते हैं अर्बन एरिया से। बेसिकली अगर हम बात करें सरफेस एंड वाटर की, तो ये वाटर जो है लेक, स्ट्रीम, रिवर्स एंड ओशंस वगैरह का होता है, जो कि रिप्रेजेंट होता है सरफेस वाटर में। सरफेस वाटर जो होता है ये कंटेमिनेंट होता है माइक्रोब्स के साथ फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर, सॉइल एंड एनी वेस्ट डंप्ड इनटू देम। अगर हम बात करें थर्ड पे एटमॉस्फेरिक वाटर की, अगर डिस्कस करें एटमॉस्फेरिक वाटर को, तो एटमॉस्फेरिक वाटर में हम बात करेंगे कि ये बेसिकली मॉइस्चराइज कंटेंड होता है, क्लाउड्स हो गए हमारे पास, या फिर स्नो हो गई, स्लिट हो गया, हेल एंड रेन हो गया, या एयर जो होती है एटमॉस्फेयर के ज़रिए वॉश होती है पानी में, या माइक्रोबियल फ्लोरा होता है, वाटर इज़ कंट्रीब्यूट बाय एयर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर में। फर्दर डिस्कस करेंगे हम कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ नेचुरल वाटर में। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, तो हमारे पास कुछ मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, टेम्परेचर, पीएच, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लाइट, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, सेलेंटी, ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग है माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ नेचुरल वाटर के। अभी तक हमने बात की माइक्रोबियोलॉजी ऑफ वाटर की, हमने कहा कि वाटर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए। फर्दर हमने कहा इसको फर्दर टाइप तीन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, एटमॉस्फेरिक। हमने कहा कि ग्राउंड वाटर अंडर द स्ट्रीम होता है, ये अर्थ के नीचे सतह के नीचे बह रहा होता है, ये फिल्टर वाटर होता है, फिल्ट्रेशन की वजह से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी फिल्टर्ड हो चुके होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर हो चुके होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने बात की सरफेस वाटर की, तो सरफेस वाटर जो होता है ये सरफेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बारिश का पानी,
उसके अलावा हम लेक्स, नदियाँ, मतलब ये जो नदी नालियाँ, ये छोटे छोटे जो सारी चीज़ें हैं वो सरफेस वाटर में आते हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर जो होता है, मतलब जैसे कि क्लाउड्स छा जाते हैं, उसके बाद स्नो का आ जाना, स्नो से वो वाला जो वाटर है वो एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। फर्दर डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ नेचुरल वाटर को। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें न्यूट्रेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स, टेम्परेचर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पीएच लेवल क्या है, लाइट इसमें कितनी होगी, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस इसमें कितना रोल प्ले कर रही होंगी, सैलिनिटी, मतलब सारी चीज़ों की हम इसमें रेंज देखेंगे, ये सारे इसके अनासर हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर दैट कॉजेस डिजीज़। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये जो वाटर है कौन कौन से डिजीज़ को काज करता है। समटाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें भी माइक्रोबियल वगैरह पाए जाते हैं। हाउएवर हम कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो डिसइंफेक्टेड है कुछ डिजीज़ की वजह से, क्योंकि उसके अंदर रेयरली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ वाटर के अंदर हम स्विम करते हैं तो डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन होता है, उसमें ओजोन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड्स होती हैं, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये हमें उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारी बॉडी पे अफेक्ट भी कर जाते हैं। फर्दर है हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्योरीफिकेशन कैसे की जाती है, तो अगर हम प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए कर सकते हैं, सेडिमिनेशन के ज़रिए कर सकते हैं, क्लोरीनेशन के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिमिनेशन के बारे में, तो सेडिमिनेशन में हम कहेंगे कुछ केमिकल्स जैसे आयरन सल्फेट के होते हैं, ये कॉगुलेट किए जाते हैं, सस्पेंड किया जाता है पार्टिकल्स को, मतलब उसको क्लोटिंग नहीं होने दी जाती, जो ग्रुप की सूरत में होते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स या माइक्रोब्स वगैरह उनको नीचे गिरा दिया जाता है पानी से, या उनके मेजर पोर्शन को बॉटम में रहने दिया जाता है। फिल्ट्रेशन के जो डिफरेंट सेकेंड हमारे पास इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर में प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए, वो फिल्ट्रेशन आ जाता है। और फिल्ट्रेशन में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। एक वाटर जो होता है बेसिकली फ़िल्टर किया जाता है इसलिए कि उससे रिमूव किए जाएँ डस्ट पार्टिकल्स, उसकी इम्प्योरिटीज़ किसके लिए, मतलब जो फिज़िकल बैरियर वगैरह उसमें है या केमिकल प्रोसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उस तरीके से हम उसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं। आफ्टर देन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की अगर बात की जाए तो ये गैस है जो ऐड की जाती है वाटर में क्लोरीन की, और कंटिन्यूसली ऐड की जाती है यहाँ तक कि ये जब तक रेजिड्यू ना हो जाए, प्रेजेंट ना हो जाए। मेथड जो होता है इसमें मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं विद इन 30 मिनट, 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल की बात करें तो रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मीट इज़ कॉल्ड सॉइल। यहाँ वो कह रहा है कि अर्थ पर जो क्रस्ट है वहाँ अगर ज़मीन की बात की जाए और ज़िंदगी गुजारने के तरीके उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल कहलाती है। तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल की बात करें तो इसकी बेसिकली जो करैक्टरिस्टिक होती हैं सॉइल के इन्वायरमेंट में वो लोकेशन और क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जाती हैं। सॉइल जो होता है डिफर होता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ कि ये कितनी डीपनेस में है, केमिकल कंपोजिशन के हवाले से और फिजिकल प्रॉपर्टीज और रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डिस्कस करें इसकी मेजर कैटेगरीज तो बेसिकली ये मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, वाटर, गैसेस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम इसकी मेजर सम कैटेगरीज हैं। मिनरल्स पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक रेजिड्यू, वाटर, गैसेस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम आर मेजर कैटेगरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। अगर हम बात करें कि माइक्रोबायोल जो फ्लोरा है सॉइल का वो किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो यानी कौन कौन सी चीज़ें फाउंड की जाती हैं, पाई जाती हैं, वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्जी है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस है, राइजोफियर है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो हाइएस्ट है बोथ नंबर में, जो वैरायटी होती है इसकी अदर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स की निस्बत ज़्यादा होती है सॉइल में। अगर हम बात करें फंगस की, फंजाई की, तो बेसिकली जो फंजाई है मोस्ट अबंडेंट है सरफेस के करीब है, और जहाँ एरोबिक कंडीशन में लाइकली प्रीवियल
फंजाई जो हैं एक्टिव हैं, डिकम्पोजिंग मेजर हैं, प्लांट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, या कि सेलुलाइज वगैरह हैं, ये सारी के सारी माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल में पाई जाती है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे एल्जी को। एल्जी क्या है? बेसिकली एल्जी जो है प्रीडोमिनेंट है सरफेस पर और बिलो है सरफेस लेयर ऑफ सॉइल से। इसके जो मेजर टाइप्स हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं, ग्रीन एल्जी, ब्लू एल्जी या डायटम्स वगैरह होते हैं। सिंगल सेल्ड एल्जी होती है जिसको सेल वॉल ऑफ सिलिका कहा जाता है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ हमारे पास मोस्ट सॉइल प्रोटोजोआ आर फ्लैजिलेट्स आर एमेबिस। ये जो होते हैं सिग्निफिकेंस होते हैं, इवन ये डोमिनेंट होते हैं बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि इंजेंशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो इसके डाइजेशन का वर्क कर रही होती है। वायरसेस क्या है हमारे पास? वायरसेस बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेजेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पे, प्लांट्स पे एंड एनिमल्स पे। सो वी कैन से दैट दीज आर बैक्टीरियोफेजेस एज वेल एज सम प्लांट्स एंड एनिमल्स वायरसेस आर प्रेजेंट इन सॉइल। कुछ जो प्लांट्स हैं और कुछ पटाजी एनिमल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं वायरसेस के मिट्टी में। राइजोफेयर्स, राइजोफेयर्स जो है ये रीजन है जहां मिट्टी और रॉड्स जो हैं इकट्ठे होते हैं और माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हाई कंसिडर किया जाता है रूट फ्री सॉइल से। तो अगर हम बात करें फर्दर कंडीशन की तो इसमें कुछ कंडीशन है माइक्रोबियल पॉपुलेशन के, जैसे कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी रेंज कितनी होती है और वो किस टाइप की न्यूट्रिशन होती है, अवेलेबल मॉइस्चराइज वहाँ कितना हमारे मॉइस्चराइज होनी चाहिए, कितना कम होना चाहिए, और ड्यू टू अमाउंट एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है और उसकी कितनी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग हमें अवेलेबल मॉइस्चराइज होता है। डिग्री ऑफ एरेशन, एरेशन जो होती है बेसिकली एक्सपोजिंग टू एयर होता है। आफ्टर दैन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें तब हम कंसिडर करेंगे जब हमें अमाउंट और टाइप का पता होगा न्यूट्रिशन की, कौन सी टाइप है कौन सी अमाउंट है, तब हमें उसे उसके मॉइस्चराइजिंग का भी पता होगा, उसके डिग्री ऑफ एरेशन का भी पता होगा, टेम्परेचर का भी पता होगा और पीएच लेवल का भी पता होगा। इन द लास्ट एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, अगर हम बात करें एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या इसके फंक्शंस का बायोजियोलॉजिकल केमिकल या एजेंट में, तो ये जो टर्म है बायोजियोकेमिकल रिप्रेजेंट कर रही है बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स को जो कि इन्वॉल्व किए जाते हैं फंक्शंस में इसके, इसको मिनरलाइजेशन करने के लिए या ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर कंपाउंड। सो मतलब कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं इसके अवेलेबल या रीयूज़ करने के लिए, दोबारा से उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, सारे के सारे एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल में रोल प्ले कर रहे हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।